एक व्यूअर ने पूछा है कि ओवरकम क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। ओवरकम का मतलब होता है काबू पा लेना या बस में कर लेना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो, अगर आप अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोचें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू वॉन्ट टू ओवरकम योर एंगर थिंक पॉजिटिव। यानी अगर आप अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं या आप अपने गुस्से को बस में करना चाहते हैं तो आप सकारात्मक सोचें। अगर आपको कहना हो आप किसी चीज पर काबू पा सकते हैं या आप किसी चीज को अपने बस में कर सकते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त धैर्य है, यानी अगर आपके पास पर्याप्त सब्र है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन ओवरकम एनीथिंग इफ यू हैव इनफ पेशेंस। यानी आप किसी चीज पर काबू पा सकते हैं या उसको अपने बस में कर सकते हैं अगर आपके पास पूरा सब्र है तो। अगर आपको कहना हो मैंने हालात पर काबू पा लिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ओवरकेम द सिचुएशन। यानी मैंने हालात पर काबू पा लिया। क्या आप इस जंगली घोड़े पर काबू पा सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कैन यू ओवरकम दिस वाइल्ड हॉर्स। यानी क्या आप इस जंगली घोड़े को काबू में कर सकते हैं या इसे अपने बस में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ओवरकम का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी चीज को अपने बस में कर लेना या किसी चीज पर काबू पा लेना, वहाँ आप बोलेंगे ओवरकम। क्या आप जानते हैं एस्क्राइब टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए एस्क्राइब टू? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। एस्क्राइब टू का मतलब होता है गुनाहगार ठहराना या दोषी ठहराना। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो वह नाकामयाबी के लिए अपनी बुरी किस्मत को दोषी ठहराया या वह नाकामयाबी के लिए अपनी बुरी किस्मत को गुनाहगार ठहराया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही एस्क्राइब टू फेलियर टू हिज बैड लक। यानी वह नाकामयाबी के लिए अपनी बुरी किस्मत को गुनाहगार ठहराया या दोषी ठहराया। मेरा ये सेंटेंस पास्ट का है, इसीलिए मैंने यहाँ स्क्राइब की जगह पर बोला एस्क्राइब्ड, यानी मैंने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो उस टेंस के अकॉर्डिंग आप एस्क्राइब को इस्तेमाल करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में आप कहेंगे एस्क्राइब या एस्क्राइब्स, कंटिन्यूअस टेंस में आप कहेंगे एस्क्राइबिंग, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप कहेंगे एस्क्राइब्ड। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो तुम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हो या तुम हमेशा दूसरों को गुनाहगार ठहराते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू ऑलवेज एस्क्राइब टू अदर। यानी तुम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हो। अगर आपको कहना हो हादसे के लिए पुलिस ने बस ड्राइवर को दोषी ठहराया या गुनाहगार ठहराया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस एस्क्राइब टू बस ड्राइवर फॉर एक्सीडेंट। यानी दुर्घटना के लिए या हादसे के लिए पुलिस ने बस ड्राइवर को दोषी ठहराया या गुनाहगार ठहराया। अगर आपको कहना हो आप इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कांट एस्क्राइब टू मी फॉर इट। यानी आप इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से समझा कि एस्क्राइब टू का मतलब होता है गुनाहगार ठहराना या दोषी ठहराना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।